हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका प्री क्योर में इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स ऑफ़ एनवायरनमेंट ऑफ द लास्ट वीक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एनवायरनमेंट के जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में शुरुआत में कर रही हूँ इंडेक्स के साथ जिसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जिनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी इस वीडियो के दौरान पहला है ढोले या ढोल कॉन्जर्वेशन ढोले इज़ ऑल्सो नोन एज एशियाटिक वाइल्ड डॉग और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी आई है और वो पब्लिश हुई है इन अ जर्नल नोन एज मैमल रिव्यू सो अगर हम ढोले के बारे में देखें ढोले इज़ एन एपिक्स एपिक्स प्रिडेटर क्या होता है जो टॉप ऑफ फूड चेन में आता है जैसे कि टाइगर है हमारे पास लेपर्ड्स हैं हमारे पास लाइन्स हैं हमारे पास ऑल ऑफ दीज आर एपेक्सप्रिडेटर्स सिमिलरली ढोल इज़ ऑल्सो एन एपेक्सप्रिडेटर इनफैक्ट ये जो ऐसा प्रेडेटर है जो पैक्स में हंट करता है ग्रुप्स में हंट करता है एंड in fact इतना ज़्यादा पैक्स uh, इनके स्ट्रॉग होते हैं कि टाइगर भी अगर if it comes in contact with these packs, it also you know hides in a corner, it also wants to escape those packs, right? So एक तरह से ये एक इंपॉर्टेंट प्रडेटर है ऑफ द फॉरेस्ट इको अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी का नाम है अ स्ट्रेटिजिक रोड मैप फॉर कंजर्विंग द इन डेंजर्ड ढोले क्यून एल्पेस इन इंडिया ये जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है ऑफ द ढोले आयू स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड है इंडेंजर्ड आयो स्टेटस बाकी प्रडेटर्स में टाइगर का है लाइन का है सेक्ट्रा लाइन की बात करें तो एशियाटिक लाइन का है अब ये जो स्टडी है ये इसलिए की गई है ताकि जो साइंटिस्ट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकें वेरियस कॉन्जर्वेशन टेनिट्स ऑफ रिटेनिंग देम, रिकवरिंग देम एंड रिस्टोरेशन ऑफ़ डोल्स इन इंडिया न इंडिया इज सेट टू बी स्ट्रॉग होल्ड ऑफ द स्पीशीज़ इंडिया में डोल्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है अप्रोक्सीमेटली टेन एशियन कंट्रीज़ में इट इज़ एक्सटिंक्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं इसके स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ऑफ डोल्स इन इंडिया एंड इट इज़ यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे जो लार्ज कॉर्निवोर्स हैं दे आर फेसिंग अ हाई एक्सटेंक्शन रिंग रिस्क ये हमने अपने प्रीवियस जो प्री है उसमें भी डिस्कस किया है कि जितना प्रोटेक्शन टाइगर्स को मिलता है उतना प्रोटेक्शन बाकी जो कार्निवोर्स हैं बाकी जो एपिक्स प्रिडेटर्स हैं फॉर एग्जांपल लेपर्ड्स या हमारे पास ढोल्स हो गए या वुल्स हो गए उतना उनको नहीं मिलता और ये दुनिया भर में है नॉट ओनली इन इंडिया इट इज़ वर्ल्ड ओवर सो दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक आई सेट दे आर ऑलवेज टूगैदर दे आर इन पैक्स दे हंट इन पैक्स ना दे आर इम्पॉर्टेंट एपेक्सप्रिडेटर्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आई यू सी एन स्टेटस की बात करें तो इन डेंजर्ड है उसके बाद एक और चीज़ जो नोट करने लायक है ये कि जो टाइगर्स और लेपड्स हैं ना दे आर मोर रिजिलियंट इन ढोल्स वेर ढोल्स आर सेंसिटिव ये हमेशा ना फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं दे रिक्वायर फॉरेस्ट कवर फॉर हंटिंग एंड फॉर सर्वाइविंग एंड फॉर थ्राइविंग वेयर इज जो टाइगर्स एंड लेपर्ड्स हैं वो थोड़े रिजिलियंट हैं जैसे कि टाइगर्स को फॉरेस्ट कि इतनी ज़रूरत नहीं होती दे कैन यू नो सर्वाइव इक्वली गुड इन फॉरेस्ट एंड इन ह्यूमन यूज़ एरियाज लेकिन अगर ह्यूमन यूज एरियाज में आएंगे तो ह्यूमंस को ज़्यादा खतरा है लेकिन टाइगर्स कैन सर्वाइव एंड थ्राइव डोल्स नहीं कर पाते दे आर लिटिल मोर सेंसिटिव और जो लेपर्स हैं दे कैन ऑल्सो सर्वाइव एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स तो एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट सेंट्रल हाई इंडियन हाईलैंड अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल आसाम मेघालय एंड वेस्ट बंगाल में मिलते हैं इवन हिमालयस में भी सिक्किम और लद्दाख में आपको मिलते हैं तो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं आपको वेस्टर्न गार्ड्स में मिलते हैं नाउ विद लेस दैन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ यू नो हैविंग कंसिडरेबल पॉपुलेशन ऑफ दैम एंड देर एक्सटिंगड इन टेन एशियन कंट्रीज और मोस्टली ये अपने फर के लिए मारे जाते हैं एंड इनसे ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनती हैं सो दैट इज़ वाई दे आर किल्ड नाउ जो स्टडी की हमने बात की है उसमें तीन स्टेट्स का नाम लिया गया है और उस स्टडी में ये बताया गया है कि ये तीन स्टेट्स काफ़ी कुछ कर रही हैं फॉर द कॉन्जर्वेशन ऑफ द डोल्स इन इंडिया कर्नाटका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश राइट डीज आर द थ्री स्टेट्स ये जो साइंटिस्ट थे ये जो स्टडी थी यह साइंटिस्ट फ्रॉम वाइल्ड कॉन्जर्वेशन सोसाइटी इंडिया यूनीवर्सिटी ऑफ फ्लोडा वाइल्ड कन्जर्वेशन ट्रस्ट नेशनल सेंटर फॉर बायलॉजिकल साइंस ने मिलकर करी थी एंड दे फाउंड आउट दैट दी स्टेट्स आर एडली इक्विप टू मेंटेन देयर हाई रैंक्स इन कंसोलिडेटिंग फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैबिटेट्स बिकॉज लाइक इंपॉर्टेंट फॉर देयर कंजर्वेशन एंड रिकवर डोल पॉपुलेश इंक्रीजिंग प्रे डेंसिटी एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट सो मेन बात यह है कि ये जो तीन स्टेट्स हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं इन कंजर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ डोल्स दैन देर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो लाइक अरुणाचल छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना एंड गोवा इसमें यह बात की गई है कि इनको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है इनको जो भी ये मेजर्स ले रहे हैं उनको और इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट क्लियरेंस कम देनी है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिकॉज लाइक आई साइ दे आर सेंसिटिव इनको फॉरेस्ट कवर चाहिए होता है डोल्स को तो जैसे ही कोई इन्फ्रा प्रोजेक्ट आता है या इनकी हैबिटेट इनक्रोचमेंट होती है इनके नंबर्स कम होने शुरू हो जाते हैं राइट सो दिस was रिगार्डिंग योर डोल्स then next is ngt orders interim ऑर्डर्स on स्टे ऑन फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज इन अगार्टी आईलैंड अब एन जी टी जो है एन जी टी लाइक आई इट इज़ अ बॉडी किसके तहत बनी है ये एन जी टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड टेन और जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड लिटिगेशंस हैं वो एन जी टी सेटल करता है और इसने इसका जो साधारण बेंच था उसने फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज में ना कोकोनट ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा गिराया जा रहा था फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग अ बीच रोड तो इन्होंने एन जी टी ने इस पर इंटरम्स स्टे लगा दिया है कि आप अभी जो कोकोनट ट्रीज़ को जो आप काट रहे थे उसको रोक दो सो दिस इज दिस वॉज टेकिंग प्लेस इन अगार्टी आइलैंड इन लक्षवदीप राइट तो उसको अभी रोक दिया गया है इफ़ यू लुक एट द मैप ये इंडिया का कोस्ट है है ना इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है यू कैन सी मुंबई मैंगलोर सो so, लक्षद्वीप में आ, ये हमारे पास काला पानी है आपने सुना होगा है ना ये आ, कावरती है दी कैपिटल और ये गाटी है तो इस पर फेलिंग हो रही थी फॉर क्रिएटिंग अ बीच रोड अब एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ ए जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इंडिसक्रिमिनेटली कट डाउन करा था कोकोनट ट्रीज को फॉर फॉर्मिंग अ बीच रूट विच इज अगेंस्ट द इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ लक्ष्य नो दिस मैनेजमेंट प्लान दिस इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान वॉज फॉमुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हैडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है सो एक एक्सपर्ट कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी जिसके बेसिस पे एक इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेट हुआ था और ये माना जा रहा है कि ये जो फेलिंग है इन डिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ कोकोनेट ट्रीज इट इज़ अगेंस्ट दिस इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ लक्ष्यदीप अब बेसिकली क्या है कि जो कोकोनट के पेड़ हैं उस पर लोकल पीपल आर डिपेंडेंट फॉर देयर इनकम ठीक है दे हैव दिस कॉयर बनता है ठीक है और और भी बहुत सारी जो कोकोनट coconut, जो कोकोनट्स होते हैं उससे चीज़ें मिलती हैं और जो लोकल रेजिडेंस है दे सेल देम एंड दे ऑन देयर इनकम तो एक तो उनकी इनकम चली जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होगा ठीक है सो इट वुड इफ़ेक्ट द इन्वायरमेंट एज ट्रीज़ स्टैंडिंग अलॉन्ग द कोस्ट लाइक ग्रीन बेल्ट एक्ट करते थे ये है ना और साइक्लॉन्स और बाकी जो स्टॉम सर्जेस हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते थे तो अगर आप ये काट दोगे ट्रीज़ तो वो प्रोटेक्शन चली जाएगी वो ग्रीन बेल्ट चली जाएगी एंड एन्वायरमेंट विल बी इफेक्टेड सो ये दो रीज़न्स हैं क्योंकि कॉयर कॉपरा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कोकोनट से जो लोकल लोग बेचते थे तो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रीजन्स हैं इस वजह से एन जी टी ने इस पर अभी इंटरम स्टे लगा दिया है और बोला है कि इस पर इंक्वायरी uh, होनी चाहिए कि ये क्यों काटे जा रहे थे और उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी के बाद प्रॉपर कमेटी रिपोर्ट दी कि उसके बाद ही इनकी फेलिंग शुड बी अलाउड सो वॉट यू नीड टू नो इज़ दैट फ्राम एन एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किस घाटी आइलैंड है कहाँ पे राइट right? लक्षद्वीप पे है आपसे ना जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स होते हैं उनको वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है तो जब भी ऐसे आइलैंड्स आए तो जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स कैपिटल है उसके बारे में uh, देख लीजिए कि कैपिटल और घाटी के बीच में क्या रिलेशन है मिनी कॉय काला पानी जो भी इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जस्ट गो थ्रू दैम वंस राइट देन दी अदर इंपॉर्टेंट यू नो न्यूज़ आइटम इज द स्टडी ऑन सी लेवल राइज, एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स और उसमें ये प्रिडिक्ट किया है साइंटिस्ट ने कि बाई टू हंड्रेड बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड जो ग्लोबल पॉपुलेशन है जो एक्सपोज है टू एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग किस वजह से होगी सी लेवल राइज की वजह से जो किस वजह से होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पॉपुलेशन एक्सपोज है वो 171 मिलियन है अब 128 ट्वेंटी टू वन मिलियन है वो सौ मिलियन अप्रॉक्सीमेटली बढ़ के वन टू टू मिलियन हो जाएगी ठीक है सो so, ये काफ़ी ज़्यादा अलार्म कॉज कर सकता है इन ऑल द ऑन ऑन ऑल द इम्पोटेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो कि कोस्ट पे लोकेटेड है फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में वी हैव मुंबई है ना उसी तरह से और भी बहुत सारी जो कोस्टल सिटीज़ हैं दुनिया की उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेल्स रेस करता है और जो ग्लोबल असेट्स एक्सपोज होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ट्वेल्व टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी राइट सो पॉपुलेशन एक्सपोज एंड द ग्लोबल जी डी पी एक्सपोज अब the researchers, they have found out that sea level rise is a well-accepted consequence of climate change. Ke climate change is a real thing and so is sea level rise. and 68% area which जो prone to coastal flooding, 32% can be attributed to the regional sea level rise. अब मोस्टली जो कोस्टल फ्लडिंग होती है अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ सी लेवल राइज से ही होती है ठीक है बहुत जगह पे जो लैंड है वो नीचे जाता है विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस है ना है ना तो अब वो रीज़न भी है और भी रीज़न्स हैं कई एरियाज़ आर मोर प्रोन ठीक है जियोग्राफिकल रीज़न्स हैं तो उसमें सिक्सटी एट परसेंट जो एरिया है प्रोन टू कोस्टल फ्लडिंग उसमें से थर्टी टू परसेंट इज ड्यू टू सी लेवल राइज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और कोस्टल फ्लडिंग विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड अभी क्या है अभी वन इन हंड्रेड ईयर इवेंट है ठीक है जो फ्लडिंग इंसिडेंट्स हैं एक जगह पे उसके बाद ये वन इन टेन ईयर्स इवेंट हो जाएगा मतलब जो फ्रीकवेंसी है ऑफ कोस्टल फ्लडिंग वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ पर दसेसमेंट 0.5 to टू पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज एट रिस्क ऑफ एपिसोड कोस्टल फ्लैटिंग बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड इम्पैक्टिंग टू पॉइंट फाइव टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन बट ये हम अजामशन ले रहे हैं कि हमने कोई भी अडाप्टन मेजर्स लिए नहीं लिए हमने कोई भी कोस्टल डिफेंस मेजर्स नहीं लिए हमने अपनी पॉपुलेशन को एक्सपोज होने दिया लेकिन अगर हम मेजर्स लेंगे जो कि बहुत सारी सरकारें ले भी रही हैं तो ये नंबर्स कंसिडरेबली नीचे आ जाएंगे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो कंट्री की कैपिटल है इंडोनेशिया की कैपिटल वो जकार्ता से जो कि जावा आइलैंड पे है इट विल बी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जावा आइलैंड पे जकार्ता है इट विल बी रीलोकेटेड टू द प्रोविंस ऑफ ईस्ट काली ऑन द लीज लेस ए पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ बॉर्टन्यू ठीक है अब रीलोकेशन क्योंकि ना जकार्ता पे बहुत ज़्यादा बर्डन है एक तो वहाँ की क्वालिटी

इट इज़ द लार्जेस्ट इंडोनेशियन सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ वन करोड़ नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे है ये और ये जो है क्लाइमेट चेंज एक तो सी लेवल राइज यू नो कोस्टल फ्लडिंग उसके अलावा हैवी कंज कंजेशन कंटिन्यूज टू बरी जगाड़ता विच इज़ दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी ट्वेंटी सेव ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स इंटू द ग्राउंड एवरी ईयर ठीक है उसके अलावा जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड जॉइंट सी वॉल और जॉइंट करोड़ा यह नाम से पूछा जा सकता है ये जॉइंट सी वॉल या जॉइंट करोडा किसका प्रोजेक्ट है कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ऑफ इंडोनेशिया यू नो इट वॉज लॉन्च्ड इन टू थाउजेंड एंड मेंट टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्लट्स राइट ओके दैन इफ यू लुक एट द मैप सो दिस इज जावा राइट यहाँ पे जगह है ये बोर्नियो है यहाँ पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कैपिटल को सो लाइक आई साइड दिस इज जावा दिस इज़ काली मंथन तो यहाँ पे कहीं जगह है यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल को देन उसके बाद uh, जो नॉर्थ यूरोप नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के पच्चीस मिलियन लोगों को इकोनॉमिक रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने एक मेजर प्रपोज किया है क्या मैमथ नदरन यूरोपियन इंक्लोज़र डैम नीड कहते हैं इसे विच इज़ गोइंग टू इंक्लोज़ ऑल ऑफ द नॉर्थ सी सो इसमें दो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे हैविंग अ कम्बाइंड लेंथ ऑफ सिक्स थर्टी सेवन किलोमीटर्स ताकि नदरन यूरोप को अटलांटिक ओशन के सी लेवल राइज से प्रोटेक्ट किया जा सके उसी तरह से साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने और रिजन लाइक परशियन गल्फ मेडिटेनियन सी बाल्टिक आई रेड सी को भी कहा है कि ऐसे मेगा इंक्लोजर्स डैम्स बनाने चाहिए तो अगर हम मैप में देखें नॉर्थ सी जो है और अटलांटिक ओशन को सेपरेट करने के लिए नीट बन रहा है तो पहला नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में होगा फिर इंग्लैंड या लंडन एंड फ्रांस के बीच में नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में वी हैव फोर सेवेंटी सिक्स किलोमीटर्स एंड वन सिक्सटी वन किलोमीटर्स बिटवीन लंडन एंड योर फ्रांस राइट सो ये दो डैम्स बनाए जा रहे हैं ताकि अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को सेपरेट किया जा सके और उसी तरह से एक जो हमारी रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट्स जो आई थी तीन उनमें से एक ओशन और पे भी थी उसमें भी यही लिखा गया था कि अगर हमें को अगर हमें कोस्टल फ्लडिंग कम करनी है तो वी नीड वेल डिजाइन कोस्टल प्रोटेक्शन जिससे कि हम एक तो डैमेज को कम कर सकें और अर्बन एरियाज़ हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको भी बचा सके। सो वी नीड टू हैव कोस्टल प्रोटेक्शन इन प्लेस वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट राइट बिकॉज सी लेवल राइस इज़ एनी इज़ गोइंग टू हैपन दैन द लास्ट इज़ पोकाली राइस सीडलैंड पुकाली राइस सीडलेंगस न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज केरला में जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर टैडी जो कल्टिवेट की जाती है वो पुकाली वेराइटी ऑफ राइस है उसका कारण ये है कि ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है एंड इट फ्लरिशेज़ इन कोस्टल एरियाज़ तो अभी जो सुंदरबन एरियाज़ है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोस्टल इंसर्जेंस की वजह से कोस्टल वाटर इंसर्जेंस की वजह से जो सेलिडिटी है बहुत बढ़ गई है तो दीज वेराइटीज़ ऑफ राइस आर बींग यू नो कल्टिवेट देयर ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो भी पैडी कंटिन्यू करें कल्टिवेट करना और उनको नुकसान ना हो राइट right? सो so, ये जो पोकाली वेराइटी है ना ये वाटर लॉक्ड कोस्टल रीजन्स में ही कल्टिवेट की जाती है इट हैज़ यूनिक सेलाइन टॉलरेंट प्रॉपर्टी एंड द रेजिस्टेंस टू सैलिटी इज रिमार्केबल इसी वजह से इसको जीआई टैग भी मिला है एंड कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है इसके ऊपर अगर हम बात करें टेस्ट की तो इट हैज़ अ पेक्यूलियर टेस्ट एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेन साइज एंड हाई प्रोटीन कॉन्टेंट सो फार्मर्स इन द यू नो साउथ ट्वेंटी फोर परगनाज डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल आर बेटिंग ऑन दिस वेराइटी फ्रॉम केरला टू टाइड ओवर द क्राइसिस लाइक सिचुएशन विच हैज़ बीन क्रिएटेड टू द ड्यू टू द सी वाटर इन करजन इन टू द सुंदरबंज आफ्टर साइक्लोन अम्फान राइट और वहाँ पर जो स्पेसिफिक वेराइटी यूज़ हो रही है वो है विटिला इलेवन दिस कोड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑल्सो अन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वाई पोकारी राइस इडलिंग्स इज इन न्यूज एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए, के लिए केक वॉक होगा सो दिस वो रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स कोई भी डाउट है कमेंट्स में ज़रूर बताइए देन हमारा जो 2021 का पी सी एम मैच है दैट इज़ गोइंग दैट इज़ लाइव और सिक्स जुलाई से ये शुरू हुआ है और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि वीडियोस क्या चले जाते हैं हमारे वीडियोस अंटिल इंटरव्यू ऑफ ट्वेंटी आपको प्लेटफॉर्म में मिलेंगे आप उस वीडियो को जितनी बार मर्जी देखें उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंटेंट की कंटेंट कवर कर रहे हैं विद करेंट अफेयर्स उसके बाद हम आपको डेली एम देते हैं उसके बाद हम आपको मेंस राइटिंग देते हैं इवैल्यूएटेड, उसके बाद हम आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देते हैं विद वीडियो सोल्यूशंस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स देते हैं जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स ताकि जो करंट अफेयर्स नहीं कवर हुए ड्यूरिंग द कोर्स वो भी हम कवर करें सो ऑल ऑफ दिस अलॉन्ग विद डाउट रिट्रेसल सेशंस इज़ प्राइज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी ठीक है सो so, काफ़ी कुछ हम दे रहे हैं सो प्लीज़ एक्सप्लोर दिस कोर्स एंड आई वुड से द क्वालिटी तो आप हमारे यूट्यूब पर देखते ही हैं सो इन केस यू वॉन्ट टू एनरोल यू कैन आई डर विजिट आर वेबसाइट और कॉल एट दिस नंबर राइट थैंक यू